बोल जय जय राधा रमण हरि 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 बोल राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण सभी बोलिए जय जय ताली बजाते हुए Oh,
किशोरी कुछ किशोरी इतना तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो, किशोरी कुछ ऐसा तो कीजो, लाडली इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो, किशोरी सभी बोलिए इतना तो कीजो, जग जंजाल छुड़ाए वास बरसाने को दीजो, किशोरी
हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ भगवान की कथा सुन लो, ठाकुर बाबा का कथा सुना, कितना अच्छे बोल रहे थे। चलो बजाओ। ज्ञानते मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री गुरु गोस्वामी महाराज चरण वंदन कोटि दंड प्रणाम करता हूं। इतिल्या प्रविष्ट हूं विष्णु पाद श्रुत श्रुत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज चरण वंदन कोटि दंड प्रणाम। यहां उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवों के चरणों में इधर इधर आ जाओ। बताएं आप लोग तो इधर उधर किसे जाओ, उधर जो आएंगे पीछे चले जाएंगे। आप लोग इधर आ जाओ, पास में बैठो इधर। और थोड़ा आगे चले जाओ। और थोड़ा हरे कृष्णा। देखो आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य का दिन उपस्थित हुआ है। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन उपस्थित हुआ है। आप लोग सोचो कि सुबह सुबह उठा के यहाँ बुला दिया। हाँ, ठंड के अंदर इतने मौसम में कैसा सौभाग्य बता रहे हैं बाबा। सच में कठिनाई हुई ना आने में यहाँ पे? नहीं, 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 कोई परेशानी नहीं है? ये सरिता दीदी बुला बुला के यहाँ पे सबको आप लोग सच में सौभाग्यवान हो, इसलिए रात में नींद नहीं आई। साधु दर्शन करने की इतनी उत्कंठा है, वरना हम जैसों को तो सुबह सुबह उठ के और ऐसे दूर प्रोग्राम में आने के बड़ा कष्ट होता है। लेकिन आपका बड़ा सौभाग्य है, आपको सच में साधु की पहचान है, साधु दर्शन करने की इतनी उत्कंठा है, इसीलिए आप लोग सुबह सुबह तैयार होके सुंदर तंदर तिलक लगा के और यहाँ आ गए हो। देखो सच में हमारा सौभाग्य क्यों है, क्योंकि गोस्वामी जी बताते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुदुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कि हमको ये मनुष्य जीवन मिला है और उसके अंदर भी क्या है, सत्संगति सुदुर्लभ संसारा, साधु संग मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए बताया भगवान की दो तरह की कृपा होती है। किसी किसी पर भगवान यदि कृपा करना चाहते हैं क्या करते हैं, अच्छा पैसा दे देते हैं, धन दौलत दे देंगे, बढ़िया मकान होगा, बढ़िया बच्चे हो जाएंगे, बोले ये भी ठाकुर की एक प्रकार की कृपा है। लेकिन ये कपट कृपा है। लेकिन अगर ठाकुर किसी के ऊपर सच सच रूप में कृपा करते हैं तो क्या करते हैं, उसको साधुओं से मिला देते हैं, उसको शुद्ध भक्तों से मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान कपट कृपा करेंगे तो क्या होगा, उसको अच्छा पैसा मिल जाएगा, सुखी परिवार मिल जाएगा, तो वो क्या रहेगा, इस संसार में रमा रहेगा, उसको ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है इसके बारे में कभी भी सोच नहीं पाएगा। अपने परिवार में बस खाया पिया मौज करा और बूढ़ा बच्चे पैदा करे, बूढ़ा होके और मर गया, सोचेगा यही जीवन का सार था, यही ऐसे मैंने जीवन निकाला, मैंने बहुत बढ़िया जन्म निकाल दिया। लेकिन देखो अंतिम समय जब किसी का आता है तो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, राम नाम सत्य है, सब बोलते हैं ना राम नाम सत्य है। कोई बोलता है कि आपका बढ़िया मकान था, 3 फ्लोर मकान था वो बढ़िया था, या फिर बच्चे बढ़िया थे, बस सत्य है, कोई बोलता है ऐसा, राम नाम सत्य है। तो ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, कह रहे हैं ये मनुष्य जीवन मिला है भगवान के भजन करने के लिए। और अगर हम साधु संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, तो उससे हमको इसी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। संतों के संग, जब हम संतों का संग करते हैं, उसी से ही हमें पता लगता है कि इस मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते थे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम लोग को भगवान ये मनुष्य जीवन किस लिए दिया, हम लोग को दिया भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन आप देखो हम क्या कर रहे हैं, हम शास्त्रों में बताया गया है 4 काम मनुष्य करता है, दिन में 2 काम, रात में 2 काम। दिन में क्या करता है, पैसा कमाना और अपने परिवार का पालन करना, रात में विषय भोग और सोना। तो ये 4 काम तो जानवर भी कर रहा है, ये 4 काम तो जानवर भी कर रहा है। लेकिन हम में और जानवरों में फर्क है कि नहीं, क्या फर्क है, वो तो बाहर जो मिलता है वो खा लेते हैं, हम बढ़िया स्पून और कटलरीज का यूज करते हुए खाते हैं ऐसा, या वो बाहर सड़क पे जहां भी जगह मिलती सो जाते हैं, हम बढ़िया बेड के ऊपर कंबल ओढ़ के एसी के अंदर सोते हैं, ये फर्क है, बताया ये नहीं। हमारी बुद्धि जानवरों से ज्यादा विकसित है, हम लोग को भगवान ने थोड़ा ज्यादा बुद्धि दी कि नहीं, तो बुद्धि किस लिए दी है, उनका उनको पहचानने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। कैसे भजन करके, क्योंकि हमारे को देखो सबको कुछ ना कुछ परेशानी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी
कृष्ण का दास, सुखी कृष्ण का दास, राम का दास। जो भगवान का भजन करते हैं वो ही एकमात्र सुखी हैं। बाकी किसी के बहू से बनती नहीं, किसी के बेटे से बनती नहीं, कोई माँ पर, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान। इस जीवन में सब कुछ ना कुछ किसी न किसी माध्यम से दुखी है। लेकिन जो लोग भगवान का भजन करते हैं वो क्या करते रहते हैं? सुखी रहते हैं। और हम क्या चाहते हैं? सुखी रहना चाहते हैं सब। कोई भी दुख को आमंत्रित करता है? कोई भी दुख नहीं चाहता, सब सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन सुख मिलेगा कहाँ वो सोचना पड़ेगा। सुख मिलेगा कहाँ? सुख मिलेगा भगवान का भजन करने से। सुख मिलेगा भगवान का भजन करने से। तो सत्संग में आने के बाद में हमको इसी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्संग के आने के बाद में हमको पता चलता है कैसे हमें ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। इसको हम यदि खाने पीने, जानवरों के समान खाने में, सोने में, इसी में व्यतीत कर देंगे तो इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। एक कथा सुनाता हूँ, एक स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करना। एक क्या होता है, कोयला बनाने वाला होता है। एक राज्य में वो कहीं पर काम कर रहा होता है, तो उस राज्य का राजा वहां से निकलता है। वो राजा उसको देखकर बड़ा दुखी होता है, बोले तुम्हारी इतनी दयनीय स्थिति है, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वो बताता है कि मैं अपना कोयला बनाता हूँ, तुम अपनी जीविका पालन करने के लिए क्या करते हो? राजा ने पूछा, उसने बताया कि मैं कोयला बनाता हूँ, ये कोयला बेच के अपना जीवन पालन करता हूँ। तब राजा ने उसको कहा कि देखो तुम यहां से ये दूर तक जितनी तुम्हारी नजर जा रही है, उतना जो खेत देख रहे हो, ये खेत मेरा ही है, ये राज्य मेरा है, तो ये खेत भी मेरे ही है, ये मैं खेत में तुमको दे देता हूँ आज से। इसके अंदर तुम अपना इस खेत को तुम व्यवहार करना और इससे तुम्हारा जीवन अच्छे से चल जाएगा, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ठीक है। खेत किस चीज की खेत थी? वो खेत थी चंदन बैंक, किसकी थी? चंदन की खेत थी। अब क्या किया उस व्यक्ति ने कि वो राजा वहां से चले गए। एक साल बाद में जब राजा वापस आए, राजा ने आकर देखा कि वो अभी भी वैसे ही गरीब है। उसने राजा ने पूछा, बोले तुमने क्या किया? मैंने तुमको पिछले साल जब आया था पूरे चंदन के खेत दे दिए थे, और इतना खेत देने के बाद भी तुम वैसे के वैसे ही गरीब हो। तो उसने जब राजा ने उससे पूछा, राजा को उत्तर देते हुए वो गरीब कहता है, बोले आपने मुझे चंदन का खेत तो दिया था, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं उसी को ही जला के कोयला बनाता हूँ और कोयला बना के उसको बेचता हूँ, और इसलिए मेरी वैसी की वैसी हालत है। ऐसे व्यक्ति को आप बताओ क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे कि नहीं? हाँ, चंदन जो इतनी कीमती लकड़ी है उसको बेचने से क्या करोड़ों करोड़ों उसके पास पैसे आ जाते, पूरा पूरा खेत उसको मिला हुआ था, लेकिन उसने उस चंदन की लकड़ी को भी काट के जला के कोयला बनाया, कोयला बनाकर बेच रहा है। हम लोग की भी ऐसी स्थिति है, हम भी ऐसी मूर्खता ही कर रहे हैं, क्योंकि 84 लख योनियां घूमने के बाद में हम लोग को ये मनुष्य जीवन मिला है। ये भी उसी चंदन की लकड़ी के समान है जिसको भगवान ने हमको क्या दिया है? भजन करने के लिए दिया, लेकिन हम इसको वही खाने सोने सब में व्यतीत कर रहे हैं, इसे सब में व्यतीत कर रहे हैं ना। इसलिए क्या करना है हमको? भगवान का भजन करके और अपना जीवन सार्थक कर लेना है। जैसे चंदन की लकड़ी का बहुत मूल्यवान है, ऐसे ही हमारे मनुष्य जीवन भी बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जीवन भी बड़ा दुर्लभ है। इसलिए क्या बताया? तुर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत, कि जैसे मृत्यु ना आ जाए उससे पहले क्या करो, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके भगवान का भजन करो। हाँ, हम लोग सोचते हैं कि एक बार बेटा बेटी की शादी कर लें, थोड़ी परिस्थिति ठीक हो जाए तो उसके बाद में हम लोग भजन करेंगे। बोले परिस्थिति कभी ठीक नहीं होगी, ये काम सिमट जाएगा उसके बाद में हम भजन करेंगे। बोले काम नहीं सिमटेगा, हम खुद सिमट जाएंगे, हम सिमट जाएंगे, हमारा केस खत्म हो जाएगा, लेकिन ये काम खत्म नहीं होगा, है ना। इसलिए जिस स्थिति में हो उस स्थिति में रहते हुए क्या करो? भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने मात्र से ही हम क्या कर सकते हैं? सुखी रह सकते हैं। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है। वांछा कर पत्र देखो, ये जो बच्चा है ना, ये सत्तर रियल इंजीनियर है, इसका कभी 70-80 हजार रुपया इसकी तनख्वाह थी। ये नोएडा में अपना ऑफिस में काम करता था, लेकिन वो सब छोड़ करके भाव बन गया और भगवान के भजन कर रहे। और ये जो बोल रहा है ना, ये वकील है, वकील साहब है, लेकिन ये लोग सब घर में रहते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, और इसके साथ साथ में भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं। इसलिए हमें भी संसार का काम को ठीक ठाक करो, अपना घर को क्या समझो, भगवान का मंदिर। देखो जैसे सरिता दीदी का, या ठाकुर जी रखो, इसलिए जैसे ठाकुर जी है, ये जैसे भगवान की, अपना घर को क्या समझो, ये भगवान का मंदिर है, अपना घर को समझो। अपना बच्चों को क्या समझो, बच्चे किसने दिया है? भगवान ने दिया, भगवान के बच्चे है।
इसलिए उनको भगवान के बच्चे मान करके उनको पालन करो। पत्नी हैं, पत्नी को क्या समझो, ये ठाकुर जी की सेविका है, ठाकुर जी की सेविका है। बोले हम कौन है, बोले हम भी ठाकुर के सेवक है, हम भी ठाकुर जी की सेवक है। जैसे घर में झाड़ू लगाओ, हाँ घर में झाड़ू लगाओ, बोले कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, बोले भगवान के मंदिर में। कहाँ लगा रहे हो, भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। बोले क्यों लगा रहे हो झाड़ू, बोले अगर कभी भगवान घूमेंगे अगर गंधा पड़ा रहेगा तो ठाकुर प्यार में लग जाएगा, ठाकुर जी की प्यार में लग जाएगी, इसलिए हम घर को झाड़ू लगा रहे हैं। अब तो गुजर लोग बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाते होंगे, बढ़िया बढ़िया खाना बनाते होंगे, इसलिए जब खाना बनाओ क्या समझो, किस लिए खाना बना रहे हैं, भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगेगा, इसलिए हम प्रसाद बना रहे हैं। इसलिए पहले किसको खिलाना है, पहले ठाकुर जी को खिलाना है, उसको बाद में कितना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन। अगर भगवान के प्रसाद खाएंगे तो हमारे मन को शांति मिलेगी, मन को शांति मिलेगी, इसलिए हम खाना बना रहे हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए ही। हाँ, सुदामा जी का नाम सुने होंगे, सुदामा का नाम सुने हो, पहले ये बड़ा गरीब था, बाद में धनी बना, पता है क्यों गरीब बन गया। अब टीवी में लीला देखे होंगे, जब कृष्ण सुदामा जंगल में जा रहे थे, उनको गुरु माता सुदामा जी को चाना दिया था, बोले देख बेटा कान्हा को देकर खाना, लेकिन सुदामा ने क्या किया, पेड़ के ऊपर चढ़ करके छुपा छुपा कर खा लिया ना, इसलिए उसको अगर गरीब बनना पड़ा। शिक्षा देते हैं अगर ठाकुर को नहीं देकर खाओगे ना गरीब बनेंगे, लेकिन फिर कब धनी होना, जब फिर उसकी पत्नी जब फिर सुदामा कृष्ण दर्शन के लिए गए, बोले खाली हाथ में नहीं जानी चाहिए, ठाकुर के पास में कुछ ना कुछ लेकर चलनी चाहिए। क्या लेकर गया था, दो मुट्ठी चिड़वा, आप देखे होंगे ठाकुर जी एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, इतने में रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, बोले नहीं और मत खाओ, आपने दो मुट्ठी भोजन खा लिया ना, उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर आप तीसरी मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी हूँ दासी बन जाऊ। आप देखे होंगे जो सुदामा घर में आता है ना, वो कुटिया नहीं थी, झोपड़ी कुटिया नहीं थी, सोने की राजमहल, उसका पत्नी साधारण नहीं थी, राज रानी बनकर बैठी हुई। सुदामा ने सोचा मैं तो कोई गलत जगह पर नहीं आ गया, यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी थी और तुलसी की पौधा थी यहाँ पर हैं, लेकिन प्याज लहसुन को नहीं खाना, प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, गंदी चीज है, ये तामस की वस्तु है, ये जो प्याज ना गैया का मांस से सृष्टि हुआ और जो लहसुन गैया की हड्डी से बना, इसलिए ये चीज ठाकुर को भोग नहीं लगानी चाहिए। जैसे नवरात्रि रखते ना, कभी कब रखते हो तुम लोग, नौ दिन तक तो प्याज लहसुन नहीं खाते हो, ऐसे नहीं, किसलिए नहीं खाते हो, कारण क्या, इसका सृष्टि गंदी चीज से, इसलिए नौ दिन तक तो इसको कोई घर में नहीं घुसाते हैं, इसलिए सब गंदी चीज है, इसलिए जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगा कर खाओ, जो कुछ रसोई बनाती हो अपना घर को भगवान का मंदिर ही मानो। जैसे गोपियां वो भी घर में रहती थी तुम्हारी, गोपियां गुजरी ना, गोपियों को कहते ना गुजरी, तुम भी गुजरी है ना, गुजरी हो ना तुम लोग, हाँ कहते गुजरिया खोल खिवरिया तेरे घर में आयो, इसलिए गोपियां सब गुजरी है, गोपियों को गुजरी कहते हैं, और तुम भी सब गुजरी हो, जब हाथ में तक झाड़ू लगाया करती थी हैं, घर की बच्चे को थपथप लगा कर सुलाती थी, हाथों में कृष्ण के लिए मक्खन बनाती थी, लेकिन मुंह में क्या बोलती थी, बोले गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर का नाम लेती थी, बस बेड़ा पार, और क्या, ज्यादा कुछ नहीं करनी है हमको, ज्यादा कोई पहाड़ नहीं उखाड़नी है, जो कर रहे हो वही करना, जो कर रहे हो वही करो, लेकिन किसके लिए करो, थोड़ी भाव के, केवल कितना भाव के भूखे प्रभु, भाव ही सार है, केवल ठाकुर जी भाव की भूखे हैं, जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो और भगवान का नाम लो, भजन करो, बस बेड़ा पार है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं। करना नहीं है, जो कुछ करना वही करना, लेकिन भगवान की भक्ति से करो, ठीक है ना, बस ये जीवन दुर्लभ जीवन मिला है, प्रभु जी भजन करते करते अगर चले जाएंगे तो बात, ठाकुर तो फिर तुम अभी जो गुजरी हो थोड़ी कम गुजरी, उसके बाद में कृष्ण अपना गोलोक वृंदावन में अपना गोपी बना करके, असली गुजरी बना करके ना तुम्हें गोलोक वृंदावन में अपना चरण में स्थान दे देंगे, फिर तो जन्म और मृत्यु दुख और कष्ट से चिरकाल के लिए तुमको छुटकारा मिल जाएगी, ठीक है,
अभी प्रभु जी थोड़ी कथा सुनाएंगे आपको। ओम अज्ञान की मिरांदेशी ज्ञानंजन सला किया चक्षुर्ण मिलित तस्मी श्री गुरुवे नमः वांछा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु भय शपतनाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव प्रातः स्मरणीय रसिक चूड़ामणि ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्तिदास गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि साक्षात धर्म प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्तिदास श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साक्षात धर्म प्रणाम करता हूँ। तथा श्री जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साक्षात धर्म प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णव के श्री चरणों में यथाज्ञ प्रणाम करता हूँ। अभी गुरुदेव का आदेश हुआ है कुछ भक्ति के बारे में बोलने का मेरी क्षमता नहीं है, फिर भी गुरुदेव के आदेश के अनुसार पालन करते हुए मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। अगर मेरे से कई गलती हो जाए तो गुरुदेव आप उसको सुधार करना। हरि बोल। आज हमारा बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज संत हमारे घर में पधारे हैं। ये बहुत ही आपका सौभाग्य है। गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव से सुना है हमने कि अनंत कोटि जन्मों की सुकृति के बाद कभी शुद्ध साधु का दर्शन होता है। इस गांव में कितने लोग होंगे? बहुत लोग होंगे, बहुत। एक मुट्ठी भी लोग नहीं जानते होंगे कि साधु संत क्या होता है, पर आज आपका इतना सौभाग्य है कि आपको साधु दर्शन हुआ है। गुरु जी इसमें आती है किनकी कथा? ध्रुव महाराज की कथा। जब ध्रुव महाराज अपने पिता से लड़ाई झगड़ा करने के बाद उनकी माता ने उनको घर से निकाल दिया, कह दिया कि जाओ तुम भजन करो, तो घर से निकलते उनको किनका दर्शन हुआ? उनका दर्शन हुआ संत का। किनका? नारद जी का। और नारद जी का दर्शन होते ध्रुव महाराज कहते हैं कि मुझे अब भगवत प्राप्ति में देरी नहीं। सिर्फ दर्शन मात्र से ही कि आज मुझे शुद्ध साधु संघ का दर्शन हो गया है, अब मुझे भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है। तो आप बहुत बड़े सौभाग्य हो कि आज आपको शुद्ध साधु का दर्शन हुआ है, अब आप उस भगवान से मिलन में आपकी देरी नहीं है। बहुत ही जल्द ही आपको उन भगवत भगवान का दर्शन होगा, क्योंकि आप उसी धाम के हो। ये दर्शन ऐसे नहीं हुआ आपका, आप इतने बड़े सौभाग्यवान हो कि आपको जो ये साधु संघ का दर्शन हुआ है। ये कौन है? इसके लिए कल हमारे जो अजय प्रभु कुछ बता रहे थे, मैं उसे कहने का प्रयास करूंगा कि जैसे चाइनीज चीज अब बंद हो गई है, उसको बैन कर दिया गया, भारत में आ नहीं सकते। अगर हमें कोई चाइना की चीज खरीदनी है तो हमें कैसे खरीदनी होगी? या तो हमें चाइना जाना होगा, वहां से खरीदनी होगी, चाइना हम जा नहीं सकते, या फिर ऐसा कुछ संबंध होगा जिससे चाइना का संबंध हो, उस देश में जाना होगा और हमारा संबंध भी हो। जैसे नेपाल है, चाइना, उससे चाइना का भी संबंध है और भारत का भी संबंध है, तो हम नेपाल में जाके चाइनीज चीज खरीद के वापस ला सकते हैं। समझ में आ रहा है जो मैं कुछ कहने जा रहा हूं? तो अगर हमें भगवान से संपर्क करना है तो हमारा सीधा संपर्क नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है वो। पर हमें बीच में एक ऐसा चीज ढूंढनी होगी जो हमारा संपर्क उन भगवान से करा दे। वे कौन है? वे गुरुदेव है। हमने भगवान को नहीं देखा, उनके बारे में नहीं जानते, उनकी सेवा नहीं जानते, उनकी कुछ भी चीज नहीं जानते, पर हम गुरुदेव को देख रहे हैं, उनकी सेवा जानते हैं, उनको दर्शन कर रहे हैं, उनको सुनते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, फिर भी हम उससे दूर भाग रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? वे ही हमारे से संबंध स्थापित करके उस भगवान से संबंध करा सकते हैं, वे गुरुदेव हैं। इसके लिए एक छोटी सी और बात आती है कि जैसे एक बनिया की दुकान होती है, उस पर नौकर काम करता है। अगर उस दुकान पे काम करने वाला नौकर, उस बनिया की दुकान पे काम करने वाला वो वहां का मालिक बने और कुछ काम ना करे, तो क्या बनिया उसको रखेगा? एक सेकंड भी नहीं रखेगा। उसने उस दुकान पे उसको क्यों रखा? कि वो दुकान पे काम करे, उसके कहे अनुसार चले, जब तो उसके लिए सब कुछ देगा। तो इसी प्रकार उन परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है। किस लिए भेजा है? क्या हम अपनी मनमानी करें? जैसे प्रभु जी बता रहे थे, हम दिन में चार कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, आनिंद्रा भय मिथुन, क्या इसके लिए भगवान ने भेजा है? अगर इसके लिए भेजता तो हमें वो सूअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा कुछ भी बनाता, वो इंसानी क्यों बना रहा है हमें को? अगर परमात्मा हमें भेजता तो हम कौन है उस परमात्मा के लिए? नमक हराम है हम, उसका खा के उसका कार्य एक भी नहीं करना है। अगर उसने हमें भेजा है, हमें इस संसार भोगने के लिए नहीं भेजा है। हम अपनी गलती से यहां हैं, क्योंकि हमने संसार भोगने की इच्छा करी, हम इस जगत के नहीं है।
कैसे नहीं है जगत के? इस जगत के ऐसे नहीं है क्योंकि हम इस शरीर नहीं है। अगर हम इस शरीर होते तो शरीर रहता। अगर हम एक बात कहें कि मैं हाथ हूं या ये मेरा हाथ है, तो इसमें कौन सी बात सत्य है? मैं हाथ हूं या मेरा हाथ है? ये मेरा हाथ है, ये सत्य है ना? मैं हाथ हूं, ये सेंटेंस गलत है। मैं कहूं कि मैं शरीर हूं या ये मेरा शरीर है, कौन सा सही है इसमें बात? यह मेरा शरीर है। अगर ये मेरा शरीर है तो वो मेरा कौन है? वो मेरा कौन है आप बताएगा? तो हम शरीर नहीं है ना। और यही कारण है कि हम मैं और मेरा की बुद्धि लगाकर इस संसार को भोग रहे हैं और उसमें कष्ट पा रहे हैं। जिस दिन ये मैं और मेरा की बुद्धि हमारे दिमाग से निकल गई, उस दिन कष्ट दूर हो जाएगा संसार का, उसी दिन। क्योंकि हम मैं और मेरा की बुद्धि लगाकर इस संसार को भोग रहे हैं, और जबकि हम वो है नहीं। जहां तक कि हमारा शरीर अपना नहीं है तो इस संसार की वस्तु कैसे अपनी हो सकती है? अगर किसी भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। मैं ऐसे नहीं चाहूंगा कि आप झूठी हां भरे। झूठी हां कोई नहीं भरना। अगर ये शरीर ही अपना नहीं है तो इस संसार की वस्तु कैसे हो सकती है? फिर जब हम इस संसार के नहीं है, संसार के लोग भी कैसे हो सकते हैं अपने? वो आत्मा परमात्मा की है तो परमात्मा ही अपने हैं, और कोई अपना है ही नहीं। और उसी को हम भूले बैठे हैं जो अपना है, और उसी से संबंध कराने गुरुदेव आते हैं। ये आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आपको संत का दर्शन हुआ है। इनसे प्रार्थना करें कि वो उस परमात्मा से आपका संबंध कराएं, उससे मिलाएं, क्योंकि आप उसी की संतान है। उससे बिछड़कर आप यहां पर आ गए हैं। ये संत उनसे मिला सकते हैं। आप इनसे प्रार्थना करेंगे तो ये आपको मिला देंगे, क्योंकि ये मीडिएटर है। हम भगवान को नहीं जानते, ये जानते हैं। इनका संबंध साक्षात, ये उस धाम में भी वास करते हैं और हम जैसे नाली के कीड़ों के पास भी वास करते हैं। ये उस संबंध को मिला देंगे हमें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोले। वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की। हाँ देखो, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं। प्रभु लोग सब बता रहे थे क्योंकि आज हमें सत्संग प्राप्त हुआ है, है? इसलिए शंकर जी ये बात पार्वती को कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? शंकर जी कौन है? कहते सत्यम शिवम सुंदरम, जो देव देव महादेव, जो जोगी जोगी महाजोगी। अगर एरे गेरे व्यक्ति कोई बात बोले ना, हम इसको महत्व नहीं देते। लेकिन कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर कोई बात बोलते हैं, कहते भैया अगर मोदी कोई बात बोलेगा ना, भाई कुछ दम है। क्योंकि कौन बोल रहा है? मोदी बोल रहा है। हा? उसी तरह शंकर जी पार्वती को कह रहे, बोले पार्वती, बोले सत्संगति दुर्लभ संसारा निमिष दंड भर ए काउबारा। शंकर जी कहते पार्वती, जीवन में जो सत्संग है ये बड़ा दुर्लभ है। अगर जीवन में एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुण्य आज तुलसी सत्संगत में नासे कोटि अपराध हैं। इसलिए अगर थोड़ी सी समय जीवन में अगर हमें सत्संग मिल जाए तो जीवन का सारे दुख कष्ट को ये सत्संग हर लेता है। एक दिन नारद जी भगवान के पास में पहुंचे, बोले ठाकुर जी आप थोड़ी सी, सारा दुनिया कहते सत्संग का बड़ी महिमा, आप थोड़ी सी हमें सत्संग की महिमा बताओ। बोले सत्संग की महिमा? बोले काम करो, जंगल में चले जाओ, वहां पर एक गिरगिटी को बताएगा। बोले गुरु जब ठाकुर जी गिरगिटी क्या बता? बोले जाओ ना, वो गिरगिटी बताएगा। अभी नारद जी गए गिरगिटी से पूछे, भैया ठाकुर जी बोले सत्संग की महिमा बताओ। गिरगिट देखो आप लोग ने, देखना वो मुंडी ऐसे ऐसे हिलाता है। तो उन्होंने ऐसे मुंडी हिला, बोले मुंडी क्या हिलाता हो? ठाकुर तेरे पास में भेजे, बता तू सत्संग की महिमा। एक द्वार पूछते ही ना, और गिरटी झट मर करके नीचे गिर पड़ा।
बोले ये क्या हो गया, तो मर गया। वापस आए, बोले ठाकुर जी उसको पूछ रहे तो मर गया। बोले एक काम करो, जंगल में एक तोता, वो तोते के पास में जाओ। पर तोते के पास में गए, बोले ठाकुर जी तेरे पास में भेजे सत्संग की महिमा बताओ। एक दो बार बोले तो वो भी शरीर छोड़ दिया। बोले ये क्या हो गया, जिसको पास में जाता हूँ वही मर जाता है। फिर आए, बोले ठाकुर जी जिसको पास में जाता हूँ वो तो शरीर छोड़ देता है, अब सत्संग की महिमा बता। बोले काम करो, वहां पर एक गैया ने बछड़ा का जन्म दिया, वो बछड़ा तुमको बताएगा। बोले बछड़ा क्या? बोले बोले जाओ ना वहीं पर। वहां पर गए, जब उनने बछड़े को पूछा ना, वो बछड़े को पूछते ही एक दो बार उसने भी शरीर त्याग दे दिया। पर ठाकुर जी ये क्या कर रहे हैं, तो तीन तीन व्यक्ति को हमसे मरवा डाले, ये सत्संग की महिमा क्या बताएंगे। वापस आए, बोले ठाकुर जी जिसको पूछता हूँ वही शरीर छोड़ देता है, बताओ कौन बताएगा। बोले एक काम करो, वो राजा का एक बेटा जन्म लिया वो बोलेगा। बोले हे भगवान, तीन तीन व्यक्ति को पूछा तो शरीर छोड़ दिया, अगर राजा का बेटा शरीर छोड़ दिया ना, राजा तो मुझे सीधा जेल में बंद कर देगा। बोले जाओ ना वही बोलेगा, लास्ट बार जाओ। लेकिन जब नारद जी गए, देखा सचमुच से राजा का एक बेटा जन्म हुआ। बेटा जन्म हुआ तो उसने जब गए बेटे को पूछा, भैया सत्संग की महिमा बताओ। जब इतना बोले ना, वो बेटा तो रोना शुरू कर दिया, वो रोते ही ना रात। नारद तो बोले हो गया, इसका भी काम हो गया है, ये तो रोने लग गया, पूछते ही लगता है मर जाएगा। फिर वो नारद तो वहां से भगे। जब भग रहे थे, लेकिन वो क्या हुआ था, राजा का बेटा जब जन्म लिया था वो जन्म से ही था गूंगा। अगर बेटा अगर गूंगा होना, अगर रोए नहीं फिर क्या करता है। अब लोग बच्चे जन्म दिए होंगे है, जब बच्चे को अगर रोता हो तो ठीक है, नहीं रोता हो तो उसको थप्पड़ मार मार के रुलाते हैं। अगर वो नहीं रोना फिर परिवार रोता है उसके लिए। अरे नहीं रोएगा मतलब वो गूंगा बच्चा है, बच्चा गूंगा है, बच्चा जन्म से ही था गूंगा। लेकिन नारद जी का केवल दर्शन मात्र से ही है, केवल नारद जी का दर्शन होते ही उसका गूंगापन खत्म हो गया है, गूंगापन खत्म हो गया। इतने में लोग जा करके, नारद जा करके राजा के पास में भागते भागते गए। बोले महाराज तुम्हारे बेटा जो गूंगा था ना, वो रोना शुरू कर दिया, मतलब उसका गूंगापन खत्म हो गया। बोले कैसे? बोले पता नहीं, एक कोई संत आए थे, वो संतों को दर्शन मात्र से ही वो रोना लग गया, मतलब उसका सारे पाप खत्म हो गया। बोले वो संत गए का? बोले भाग जा रहे। बोले उसको जल्दी से बुला करके लाओ। और नारद जी को पीछे पीछे भगे। बोले बाबा रुक जाओ। नारद तो सोचो हो गए काम, लगता है ये बेटा शायद मर गया होगा, अभी राजा तो जेल में बंद करेंगे। नारद जी बोले बाबा रुको रुको, बड़े कठिन से रुकवाया। बोले राजा आपको याद कर रहे। अभी राजा जी पास में आए तो राजा चरण में गिर गए। बोले बाबा मेरा जो बेटा है ना, जन्म से गूंगा था, लेकिन केवल आपका दर्शन मात्र से ही उसका गूंगापन खत्म हो गया। बाबा बड़ी कृपा की। जब उनने बच्चे को पूछा, बोले बताओ ठाकुर जी, बोले तेरे पास में सत्संग की महिमा को जानने के लिए आप बताओ। देखो राजा का बेटा क्या कहता है। बोले अभी तक समझ में नहीं आया। बोले नहीं आया। बोले नारद जी, जब पहला बार ठाकुर जी भेजे थे, मैं गिरगिट था, लेकिन केवल आपका दर्शन मात्र से ही। नारद जी भगवान की परम भक्त है, लेकिन जब आपका दर्शन किया ना, दर्शन करते मेरा पाप नष्ट हो गया, फिर मैंने अच्छा जन्म तोता जन्म लिया। फिर दो बार भी आप आए, फिर दो बार जब आपको दर्शन किया, आपको दर्शन मात्र से ही फिर गैया जन्म हुई। कहते ना गैया को शरीर में 33 करोड़ देवता का निवास है, इसलिए मेरी गैया जन्म हुई। फिर जब फिर आप आए, बछड़े रूप में जन्म लिया, फिर जब आपको हमने दर्शन की और दर्शन पाते ही मेरा पाप खत्म हो गया और मैंने राजा का बेटा रूप में जन्म लिया। लेकिन राजा का बेटे रूप में तो जन्म लिया, लेकिन पाप की वजह से मैंने गूंगा बना था। लेकिन फिर जब आप आए, फिर आपका दर्शन मिला, फिर क्या हो गया, मेरे सारे पाप नष्ट हो गया और मेरे गूंगापन भी खत्म हो गया। इसलिए कहते संत दर्शन का बड़ा महिमा, इसलिए कहते दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण। कहते गंगा में नहान पर पवित्र होंगे, लेकिन संतों को दर्शन मात्र से ही। उदाहरण देते हैं, जैसे सूरज उदय होने पर चारों तरफ में प्रकाश प्रकाश फैल जाता है। कहते संत दर्शन से हमारे हृदय के सारे अज्ञानता दूर हो जाता है और जीवन हमारी मंगलमय हो जाता है। इसलिए शंकर जी इसलिए कहते शंकर जी सतसंगति दुर्लभ संसारा। किसको कह रहे हैं? पार्वती को। किसको कह रहे हैं? पार्वती को नहीं, जगदम्बा जगत जननी। शंकर जी
पार्वती को ये बात कर, बोले पार्वती जीवन में संतों का संग बड़ा दुर्लभ है, निमिष दंड भर एको बरा। अगर एक निमिष, एक दंड, एक घड़ी अगर हमें संतों का संग मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए ना, हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। इसलिए आज समझो पार्वती फिर प्रश्न करते, बोले प्रभु फिर जीवन में सत्संग किसको मिलता है, जीवन में सत्संग किसको मिलता है। शंकर जी फिर कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा पर होई पाब देही यह संगत सोई। कहते पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर की अति छोटी मोटी कृपा नहीं, जिसको ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हो पार्वती, पाप देही यह संगत सोई, तभी जीवन में ये सत्संग तभी मिलता है। बोले अति हरि कृपा मतलब क्या, अति मतलब क्या, बोले मतलब है जीव का जब सारे दुख कष्ट संसार का खत्म हो गया, उसको और इस संसार में नहीं आना है। संसार में सब दुखी है ना, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, दुखी दुखी है कि नहीं, संसार में दुखी दुखी है। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती, लेकिन जब जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए ना, फिर भगवान की भक्ति करते, भजन करते हैं, फिर तो भगवान की भक्ति करने पर कृष्ण गीता में कहते जत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, हे अर्जुन जब जी मेरे भजन करते हैं मेरे पास में आ जाते हैं, फिर मेरे पास में आ जाते हैं, और जहां जाने पर फिर इसी संसार में किसको आना नहीं पड़ेगा, संसार का दुख कष्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी प्रश्न है, अभी ठाकुर के पास में जाएंगे कैसे, ठाकुर के पास में जाने का रास्ता क्या है। एक उदाहरण दिया, जैसे आप अमेरिका जाना चाहते हो या तो लंदन कोई विदेश जाना चाहते हो ना, तुम्हारे पास में तीन चीज होनी चाहिए। कितना चीज होनी चाहिए, कोई बता सकता हो तीन चीज क्या क्या होनी चाहिए जो कि तुम विदेश जा सकते हो घूमने के लिए। कौन बोलेगा, बोलो कौन बोल सकता है। पासपोर्ट, हाँ हाँ, आप लोगों ने एक तो परफेक्ट उत्तर दिया है। इसलिए तीन चीज होनी चाहिए ना, तीन चीज। पहला नंबर है पासपोर्ट, उसके बाद में फिर एम्बेसी में जाकर वीजा लेना पड़ता है, फिर उसके बाद में टिकट होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए। देखो यहाँ से रशिया मानो 2-3 घंटा का रास्ता है, हैं? उसके लिए तुमको ये तीन चीज होगा तब जा सकते, नहीं तो जा नहीं सकते हो साधारण जगत में। अगर हम ठाकुर के पास में जाना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास में भी तीन चीज होनी चाहिए। कितना चीज, क्या क्या। पहला नंबर जो पासपोर्ट है ना, बोले गले में तुलसी की कंठी, गले में तुलसी की कंठी एकदम पासपोर्ट हो गया तुम्हारी, हैं? जाने का पासपोर्ट बन गया है। जब तक कंठी नहीं पहनोगे ना, भगवान के पास में नहीं जा सकते हो। इसलिए जो तुलसी है वो कोई लकड़ी नहीं है, ये मत समझो हमारे घर में पौधा तुलसी की लकड़ी नहीं, तुलसी की लकड़ी नहीं, ये तुलसी लक्ष्मी। आप देखे होंगे नारायण के साथ में शादी होती है तुलसी की, देखे होगे कि नहीं, नारायण तुलसी लक्ष्मी साक्षात है। इसलिए जिसके गले में तुलसी कंठी आ गई है ना, समझो माँ लक्ष्मी आ गई, गले में उसकी माँ लक्ष्मी आ गई है। हम कहते ना वृंदावन चलो, बोले क्यों, बोले बांके बिहारी दर्शन करेंगे। क्यों वृंदावन में, क्यों बांके बिहारी, वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब वन, जहाँ तुलसी का वन है वही ठाकुर। अगर गले में तुलसी कंठी मतलब कौन आ गए, बांके बिहारी, मतलब कौन आ गए, लक्ष्मी और बांके बिहारी, लक्ष्मी नारायण तुम्हारी गले में, लक्ष्मी नारायण की निवास हो गई। ठाकुर को भोग लगाते हो आप घर में, अब देखना कहते 56 भोग 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नाय माने। भले ही ठाकुर को जो कुछ दो, जब तक तो तुलसी पता नहीं देते है ना, ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करते है। कहते उसी तरह हमारा जो शरीर है, ये पांच चीज से शरीर बना हुआ है, मिट्टी वायु अग्नि जल आकाश है, और अंदर में तो पेट में क्या, टाटी पेशाब खून और कुछ है नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते पंच रचित ये अधम शरीर, ये अधम शरीर है कल टाटी पेशाब का थली। इसलिए ये शरीर ठाकुर का सेवा में नहीं लगता है, लेकिन ये तुलसी की इतना महिमा, से दाल भात सब्जी में तुलसी पत्ता दे करके ठाकुर जी को भोग लगाते है ना, फिर प्रसाद हो जाता है, फिर हम उसको खाना नहीं कहते, क्या कहते हो, प्रसाद कहते हैं। उसी तरह ये शरीर में जब तुलसी की कंठी डाल दिया ना, ठाकुर उसको ग्रहण कर लिए। किसी गल में तुलसी कंठी आ गया, ठाकुर उसको ग्रहण कर लिए है। इसलिए
जब महाराज जमदूत कहते हैं, बोले देखो जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मेरे पास मत लाया करो। तब जमदूत ने पूछे पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता पता कैसे चलेगा। बोले दो तरह के कुत्ते हैं। कितने तरह के? दो। कहते हैं कि पालतू और एक फालतू। कहते पालतू पता कैसे चलेगा, घर की पालतू कुत्ते गले में पट्टा बंधा हुआ रहेगा है, देखने से पता चलता है घर की ये कुत्ते हैं। और फालतू कैसे पता चलता है, बिना पट्टे के जो रोड रोड में घूमता है। देखना पालतू को कोई तो मारता नहीं और फालतू को कोई छोड़ता नहीं, किसका कोई मालिक नहीं है ना। इसलिए गले में तुलसी कंठी हो तो हम किसके पालतू है, ठाकुर जी की बांके बिहारी के। अगर हम गले में कंठी नहीं तो फिर हम क्या हो गए, क्या हो गए। इसलिए पालतू बनेंगे ना, फालतू बनेंगे बोला, इसलिए पालतू कहते ना। ये पासपोर्ट है, ये क्या हो गया, ये पासपोर्ट। अभी दूसरा नंबर वीजा, कहते वीजा क्या, बोले तिलक। वीजा क्या है, ये तिलक वीजा है, हैं। इसलिए अब देखना ठाकुर जी को कहीं भी भगवान कृष्ण को देखोगे देखो तिलक है ठाकुर, कहीं देखोगे भगवान राम को देखोगे तिलक है, भगवान नारायण को देखे तिलक, कहीं हनुमान जी को देखोगे तिलक, गणेश जी को देखोगे तिलक। 33 करोड़ देवता में कोई भी देवता को देखोगे बगैर तिलक के ठाकुर भी नहीं रहते। अब तो हिंदू है देखना, जैसे कोई बेटा कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है, नया काम, हम तिलक लगाकर भेजते बेटा जा तेरे काम बन जाए, हैं। कोई विजय, कहते तिलक मतलब विजय का लक्षण है। जैसे घर में कोई पुजारी पूजा कराने के लिए आएगा ठाकुर जी, कोई ब्राह्मण, देखना वो जब तक तिलक नहीं लगाएगा ना पूजा नहीं करवाएगा, क्योंकि तिलक के बगैर तुम्हारी पूजा सेवा सब निष्फल है। इसलिए ये जो तिलक है विजय का लक्षण है, और जो तिलक है ना ये गोपियों का चरण धूलि है, ये तिलक गोपियों की चरण धूलि, ये साधारण नहीं, भगवान का सर दर्द बुखार का लीला ठाकुर जी की है। पहले सही कैसे हो गया, पहले किसी भक्तों का चरण धूलि देने से है, चरण धूलि देने से। फिर नारद जी वृंदावन में आए और यहीं से ब्रज रज को लेकर के गए द्वारका, वहां पर भगवान को स्नान कराया गया, फिर तो ठाकुर का सर दर्द बुखार तभी सही हुआ है। इसलिए ये जो तिलक है ना ये शुभ लाची है। देखो ये जो ये ना ये ब्रह्मा है, ये जो बीच में ये विष्णु है, और इधर है ये ब्रह्मा विष्णु ये महेश है, और ये जो दो है ये ठाकुर का दो चरण है। उसका नीचे देखो जैसे सेब, वो तुलसी पत्ता का सेब, माना ठाकुर की चरण में हमने तुलसी पत्ता लगाया, ठाकुर चरण में तुलसी पत्ता दिया है। इसलिए पुराण में बताए ये जो तिलक है, जैसे ये ललाट के सब हम 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, ललाट में, उदर में, पेट में, कंठ में, बाम भाव, हाथ, इसे 12 जगह पर तिलक लगाते हैं। ये भगवान की 12 नेम है, भगवान की 12 ये नाम है ठाकुर जी की है, भगवान का 12 ये तिलक ललाट के सब, उदर नारायण, वक्ष माधव, कंठ गोविंद, दक्षिण पार्श्व विष्णु, मधुसूदन त्रिविक्रम, मतलब है भगवान हमारी 12 स्थान पर ठाकुर का निवास हो जाता है। मैया जसोदा जब पुतना आ गई, माँ जसोदा कृष्ण को ये तिलक लगा रही थी, मेरे लाला को ललाट केशव देव रक्षा करे, उदर में नारायण, बख्य में माधव देव रक्षा करे, ऐसे ऐसे करके भगवान को ये तिलक लगा रही थी। इसी तिलक की बड़ी महिमा है, तिलक की अगर तिलक लगाओगे ना उल्टा पुलटा ग्रह, उल्टा पुलटा जो गंदी चीज तुम्हारे अंदर में नहीं आएगी, तिलक की बड़ी महत्व है। इसलिए ठाकुर जी स्वयं ये तिलक को ठाकुर स्वयं लगाते हैं। इसलिए आप लोग जरूर तिलक लगाया करना, शर्म नहीं करना है, शर्म नहीं करना, शर्म तो किसी गंदी काम के लिए शर्म करनी चाहिए, भक्ति के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तिलक हो गया, क्या हो गया, एक होता वीजा, फिर पासपोर्ट हो गया, और जो तीसरा चीज है ना क्या है, फिर टिकट होनी चाहिए, बगैर टिकट कर जा नहीं, वीजा अगर पासपोर्ट हो गया, अगर टिकट नहीं तो तुम जा ही नहीं सकते है। बोले ये टिकट क्या है, बोले भगवान की नाम, ठाकुर जी की नाम ये टिकट है, है? इसलिए भगवान का नाम के बगैर भगवान को पास में नहीं। इसलिए हमारे भारत में देखना जब शरीर छूट जाता है किसी व्यक्ति को, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, यही बोलते ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा, सुना वो बोलते कि नहीं। इसका मतलब क्या, बोले बेटा तुमने जितने राम का और जितने कृष्ण का नाम लिया है अभी तो तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ जगत में किए हो एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही। अब पत्नी जाएगी तो रो रो कर कहां तक जाएगी, दरवाजे तक जाएगी, उसका आगे नहीं जाएगी। परिवार वाले जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, मनसान तक जाएंगे, वहीं पर जला करके टाटा करते वापस चले आएंगे, फिर उसका आगे किया जाएगा। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतना धन पायो,
वस्तु अमोलक ती मेरे सदा गुरु कृपा करे अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिले मीरा कहती है जीवन में तुम मिला तो मिला क्या है, जीवन में तुम्हें मिला क्या है, बोले पायो जी मैंने मैंने पाया, बोले क्या पाया, बोले राम रतन धन पायो, बोले वस्तु अमोल दी मरे सदगुरु, बोले ये अमोल धन कहाँ से मिले, बोले हमें सदगुरु से मिला है, कृपा करे अपनायो, बोले ये धन कैसे हैं, बोले चोर नहीं ले बे लुटे नहीं जावे दीन दीन बड़ा तसवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोले ये ऐसे कहे इसको चोर चोरी करके नहीं ले सकते, लुटेगा नहीं फूटेगा नहीं, जो धन केवल बढ़ती रहती, जो धन केवल बढ़ती रहेगी, ये धन कभी घटेगी नहीं, ये धन केवल बढ़ेगी और अंतिम समय में यही धन ही तुम्हारी साथ में जाएगी, पूरा के पूरा साथ में जाएगी, इसको कोई नहीं ले सकते। अगर पत्नी अगर भजन करेगा ना उसको पति नहीं ले सकता है, पति अगर भजन करेगा तो पत्नी नहीं ले सकते हैं, अगर इसको पिता माता कमाएगा तो बच्चे नहीं ले सकते हैं, बच्चे कमाएगा तो इसको पिता माता नहीं ले सकते हैं, जो इसको कमाएगा केवल वही इसी जीवन में मालिक, और अगली जीवन में तो मीरा कहती है वास में जाओगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की कि ये मर गई और प्रजा को पूछा कि अपने गुरु को नाम बता पहले नाम बताओ अपने गुरु को। इसलिए इसलिए ऊपर मिले थे भाई, ऐसे मिले थे जी के ऐसे डोला है, सब चीज डोला है, आज भी डोला है तो मैं वही डोलू आज हवा में, हम ही डोलू आज उनको बताओ, मैं जहाँ जाऊँ मेरे गुरु धोर में अपने गुरु से मिलूंगी, अच्छी बात। इसलिए हमारे हमारे संप्रदाय में ऐसे एक का जीवन बिताए, हमारे जो गुरु जी है ना इनका जो गुरु जी की जो गुरु जी थे है, हमारे मेरे गुरु जी की जो गुरु जी थे, अभी उनसे एक व्यक्ति ने भगवान का नाम लिया था, लेकिन नाम लिया था क्या हुआ, कोई लड़की ने उसको फंसा लिया, जब फंसा ली वो बंगाली, बंगाल में तो मांस मछली खाते हैं, अभी वो लड़की बड़ी सुंदर थी, वो था पहले था ब्रह्मचारी मठ में था रहता था, लेकिन किसी लड़की ने उसको फंसा ली, जब फंसा ली लड़की के चक्कर में पड़ करके उसने सब भक्ति भक्ति गले में कंठी तिलक छोड़ छाड़ दिया और फिर तो मांस मछली खाने लग गया, पहले भजन करता था मठ में रहता था लेकिन असत संग का प्रभाव इतना बेकार है। अभी क्या हुआ, कुछ दिन बाद में उसका मृत्यु हो गई, जब मर गया अभी पूरा परिवार के लोग आए उसको ले जाएंगे जलाने के लिए, लेकिन अभी उसको जब जमदूत ने ले करके गए नरक में गए, इतने में हुआ जम महाराज बैठा हुआ था, जम महाराज जब दूर से देखा बोले किसको लेकर के आए हो, तुमको पता है ये किसके चला है, ये प्रभुपाद का चेला है, इसको हम दंड नहीं दे सकते, जो सदगुरु से भगवान का नाम को ग्रहण किया है, सदगुरु से गले में कंठी तिलक लगाते हैं, हैं? ये तो छोड़ दिया लेकिन पहले इसने प्रभुपाद से हरि नाम दीक्षा मंत्र लिया, इसको मैं सजा नहीं दे सकता, अब वापस देख रहा, जब महाराज दूर से देख रहे चिल्ला पड़े, जब चिल्ला पड़े अभी तो यहाँ इसको शरीर को तैयारी कर रहे जलाने के लिए ले जाएंगे, उसको जब तैयारी कर रहे हठात उसने ना जब जब महाराज बोले इसको वापस देख रहे आओ, फिर दोबारा जिंदा हो गया व्यक्ति, जिंदा होकर फिर बैठ गया, बैठ करके उसने बोले मेरा मेरा माला कहाँ है, मेरे माला कहाँ है, मेरे माला कहाँ है, बोले क्या हुआ, बोले मेरे को तो जमदूत ले गए थे जमपुरी में, वहां पर जब महाराज देखा कि बुढ़ा आदमी काला रंग का बैठा हुआ, हम देख करके चिल्ला पड़े, बोले किसको लेकर के आए, ये शुद्ध साधु का शरण लिया हुआ, उसको हम दंड नहीं दे सकते, फिर मेरे को वहां से वापस ले आया, मेरे माला कहाँ, बड़े दिन से मैंने भजन नहीं किया, उसने बताया मैंने भजन किया पहले, फिर मांस मछली खाकर भजन मुझे छोड़ दिया, मेरी माला कहाँ, फिर उन्होंने मरा नहीं, फिर वो जिंदा दो बार हो गया, फिर प्रभुपाद स्वप्न दिया, उस समय तो उनका गुरुजी गुरुजी नहीं थे, चले गए थे, फिर और एक संत थे
जो उनकी शिष्य उनको स्वप्न दिया, बोले उनसे लेकर के हरिनाम लो, फिर हरिनाम लेकर फिर भजन कर, भजन करके फिर ठाकुर जी के पास में गए। देखो जब हम एक बार किसी सदगुरु से हरिनाम ग्रहण करते हैं, कंठी माला तिलक लगाते हैं ना, जमपुरी नहीं जाओगे कि जम स्वयं कहते हैं, जिसको गले में कंठी और तिलक नहीं देखोगे ना, समझ जाना ये ठाकुर का शरण लिया है, ये बांके बिहार के लोग है, इसको जमपुरी नहीं लाना, जमपुरी इतने महिमा, ठीक है ना। इसलिए गले में पासपोर्ट वीजा को ठीक करके रखो, गले में कंठी और तिलक को रोज लगाया करो, ठीक है ना। तिलक ऐसे ऐसे फोटा लगा दिया, फोटा नहीं कैसे खड़ी तिलक लगा, ऐसे तिलक, ये ठाकुर का दो चरण है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसलिए अब राम का तिलक देखो, हनुमान जी को देखो, अब तुलसीदास जी को देखो, भगवान नारायण को तिलक फोटा नहीं, फोटा नहीं, ये तो घूमते रहोगे संसार में। इसलिए तिलक कैसे होनी चाहिए, ऊंचा, इसको ऊर्ध्व पुंडरी कहते, ऊर्ध्व पुंडरी मतलब ऊर्ध्व नयति, जो हमें ठाकुर तक ले जाए, भगवान तक ले जाए। हैं ठाकुर जी का कहीं फोटो देख लो, कहीं देखो कहीं ठाकुर जी का, कहीं कहीं भी ठाकुर जी का देखो, कहीं भी देखो कृष्ण का देखो, तिलक है कि नहीं, ऊपर उठाया तिलक, तिलक भगवान हनुमान जी को कभी देखना, तिलक ऊपर में है। इसलिए तिलक कैसे लगानी चाहिए, शर्म नहीं करना है, शर्म नहीं करनी। और तुम तो घर में रहती हो, बाहर तो कोई ऑफिस में तो जाती नहीं, हमारे मंदिर में तो ऑफिस में जो बड़े बड़े ऑफिसर बड़े जाते हो, तिलक लगा कर जाते हैं। शास्त्र में बताया जैसे तुमने तिलक लगाई, अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारे तिलक को देख लिया ना, उसको ठाकुर दर्शन करने का फल मिल जाता है, भगवान दर्शन करने का फल मिल, केवल तिलक दर्शन से ही, तुमने महिमा ये तिलक ही, ठीक है। सबके सब गोपी चंदन का तिलक लगाओ और हरिनाम करो, गले में तुलसी कंठी पहनो, जो कुछ खाओ ठाकुर जी को भोग लगा कर खाया करो, भगवान को भोग लगा कर खाओ, प्याज लहसुन मत खाया करो। और एकादशी व्रत रखती होगी, कौन कौन रखता है एकादशी, हाथ उठाओ तो ठीक ठीक हाथ हाथ उठाओ, एकादशी नहीं करते हो, करते हो, करते हो भाई लोग, सब लोग एकादशी व्रत रखी हो है। इसलिए देखो कल कल एकादशी व्रत है, देखो एक मिनट सुन लो, जो एकादशी व्रत है ना, इसको कहते कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब कहाँ जा रहे हो, बैठो, काम की बात चल दिए, हाँ अब अगर बहू बेटी की बात हो ना, 10-10 घंटा उसको छोरी ये कर रहा है, उसको घर में सास के साथ में बहू बनती नहीं, वहां पर तो कान खड़े करके बोलेगी, सुन लो हरे कृष्ण। इसलिए जो एकादशी व्रत है, हैं ये एकादशी व्रत को बताया कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब कल्पतरु कहते हैं जो मांगो वही मिलेगा, जो मांगो वही मिलेगा। कहते एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब जिसके घर में पुत्र संतान जन्म नहीं ले रहे। नंद बाबा का नाम सुने, पहले कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा पहले सारे व्रत कर चुके थे, सारे दान दक्षिणा दे चुके थे, लेकिन उनके घर में बच्चा नहीं था। एक दिन सोचे अभी ये पुत्रदा एकादशी आ रही है, अभी तक तो हमने सारे व्रत रखा है, लेकिन ये पुत्रदा, पुत्र मतलब जो पुत्र को देते हैं, कहते अभी तक ये व्रत हमने रखा ही नहीं, चलो हम दोनों पत्नी ये पुत्रदा एकादशी व्रत रखते। जब पुत्रदा एकादशी व्रत रखे, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आया, सवेरे सवेरे जो स्वप्न आए ना, कभी कभी सही होता है, सवेरे सवेरे जो स्वप्न आता है, उनने सवेरे सवेरे स्वप्न किया, देखा आकाश में बिजली चमकती हुई एक देवी, और कृष्ण को उन्होंने दर्शन किया, और उन्हें नंद बाबा का हृदय में प्रवेश किया, फिर नंद बाबा का हृदय से फिर मैया जसोदा के गर्भ में आई। फिर सवेरे जब नींद खुली ना, नंद बाबा बोले बोले जसोदा जसोदा मैंने एक सुंदर स्वप्न देखा, जसोदा बोले मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखी, बताओ आप क्या बताया, बोलो। नंद बाबा बोले मैंने देखा तेरे गोद में एक सुंदर श्याम रंग का के बालक पौड़ रहे हैं, और तुम्हारी स्तन पान करते समय उनको दोनों धार से दूध बहते, उसको कुर्ता भीग रहा था, मेरे को स्वप्न नहीं लगा तेरे गोद में एक बच्चा है। इतने में मैया बोली मेरे स्वप्न सुना, बोले बताओ, बोले मैंने भी स्वप्न देखा, मेरे पीछे पीछे एक सुंदर बालक कपड़ा पकड़ते हुए, बोले मैया मैया मेरे को गोद में ले ले, मेरे को गोद में उठा ले, दूध पिला दे, मचल रहा था इसे है। और उसी दिन कृष्ण जन्म हुए, उसी दिन गर्भ में कृष्ण आए, इसलिए इसका नाम पुत्रदा। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जिनके घर में लक्ष्मी की कमी है, पैसा की कमी है, अगर वो एकादशी करेगा तो घर में खूब माल आएगा, खूब, कौन माल नहीं चाहते बताओ, पैसा उस घर में, इसलिए उसका नाम है इंदिरा।
और एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, मतलब जो एकादशी करने से संसार से मुक्ति मिल जाती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, संसार में दुख कष्ट क्यों आता है, पूर्व जन्म का कर्म का फल है, पाप फल है, कहते वो एकादशी करने से पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। एक एकादशी का नाम विजया, मतलब जो करने से सारी तरफ सारा दुनिया में तुम्हारी विजय, विजय तुम्हारी सारा दुनिया में होगी। देखना हर एकादशी का अलग अलग नाम है, सारे एकादशी एक नाम नहीं, अलग अलग नाम उसका है। इसलिए एकादशी का दिन अर्ण में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, एकादशी का दिन अर्ण में पाप रहता है, इसको खाने से इसको पाप भुगतना पड़ता है। इसलिए एकादशी का दिन अर्ण नहीं खाने चाहिए, खाने भी नहीं चाहिए, उस दिन देने भी नहीं चाहिए। खाना भी जितना पाप, देना भी उतना ही पाप है। एकादशी का दिन अर्ण मत खाओ, अर्ण किसको मत दिया करो। उस दिन जैसे व्रत का दिन होता है ना, व्रत का दिन जैसे उस दिन व्रत का दिन जैसे आप बढ़िया बढ़िया चीज खा, रोज तो रोटी सब्जी खा रहे हो, एकादशी का दिन कुट्टू का पकौड़ा बना दिया, नहीं तो कुट्टू आटा की पूड़ी भी बन जाती सुंदर, आलू की सब्जी बना दो है, और उसी दिन सुंदर सुंदर फल खाओ है, उस दिन खीर बना, कुट्टू आटा की खीर भी बना सकती हो, फ्रूट क्रीम बना सकती हो, फिर दूध दही जितने तरह का फल खाने के लिए बहुत सारी चीज। उस दिन हमारे मंदिर में तो बाबा लोग तो कभी एकादशी आए, रोज रोज वही रोटी सब्जी खा रहे हैं। एकादशी का दिन अलग अलग चीज हो जाते हैं, पकौड़ा बना देते हैं, और उस दिन फ्रूट सलाद बना देते हैं, उस दिन मखाना है मूंगफली भून करके, समझ रहे हो, इसलिए उस दिन बढ़िया बढ़िया भोजन मिल जाती है, ठीक है। इसलिए खुद भी रखो और परिवार लोगों को भी रखाया करो। अगर पति नहीं मानता है तो खाना तो चाहेगा, वो खाना चाहिए ना, इतने बढ़िया बढ़िया उसको खाना खिलाओ जो सोचेगा कब एकादशी आएगा तुमको पूछे, समझ रहे हो उनको, और खाएगा ना। देखो उसमें, देखो रोटी उसमें जो कुट्टू आटा की उसमें आलू देकर रोटी बड़ी सुंदर बन जाती, नहीं तो पूरी भी बड़ी सुंदर, और आलू की है, आलू की जो उसमें ये बना दो सब्जी बना दो, आलू की सब्जी सुंदर, पूरी सब्जी बना दो, पकौड़ा सुंदर सुंदर पकौड़ा कर दे दो, और बढ़िया पकौड़ा खीर होता है उस दिन, कुट्टू आटा की खीर भी बनती है, कुट्टू खीर भी बनती है उस दिन, मूंगफली बनती है, फ्रूट सलाद बढ़िया बनाकर ऐसे खिलाओ ना पति को, वो बोलेगा तुम्हारी एकादशी कब आएगी। हमारे मंदिर में तो ऐसे होता है, बाबा लोग सोचते कब एकादशी आएगी, समझ रहे हो। तुम्हारा चौका बर्तन तो तुम्हारी हाथ में ना, तुम्हारी हाथ में चौका बर्तन है ना, इसलिए तुम जैसे खिलाओगे तो खाएगा, इतना बढ़िया खिलाओ उसको पता ही नहीं चले एकादशी हो गया बढ़िया है। कई पति पत्नी में पुराण में कथा आती है, उस दिन क्या हुआ, एकादशी था किसको पता ही नहीं था जी एकादशी, और सवेरे उठते ही पति पत्नी में लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई तो पति ने बोला मैं आज भोजन नहीं करूंगा, पत्नी ने बोले मैं बनाऊंगी तब तक तो खाओगे। आज लड़ाई हो गई ना, अब देखना घर में अगर लड़ाई हो जाए ना, दो दिन तक एकादशी पूरा चलेगी, निर्जला व्रत निर्जला व्रत चलेगी तो दो तीन दिन तक है। इसलिए उन्होंने अनजान में एकादशी व्रत कर दिया तो अगले जीवन में राजा रानी होकर जन्म हुए, राजा रानी होकर देश की जन्म हुई। एक एकादशी अनजान में व्रत हो गया तो एक दामाद आया अपना ससुर घर में है, दामाद की तो बड़ी सेवा होती है, लेकिन वो थे वैष्णव परिवार, वो अर्ण देते नहीं, अर्ण खाते नहीं, लेकिन उसको जोर जबरदस्ती रहना पड़ा, हम तो अर्ण नहीं खिला सकते। वो हुआ तो अगले जीवन में बड़े धनी घर में जन्म हुआ उसने, इसलिए अनजान में भी अगर हो गया एकादशी कितने में, और जान बुझ कर जो करेगा अब सोच नहीं सकते कितने तुमको भक्ति और पुण्य मिलेगी, ठीक है। सबको एकादशी व्रत करो और भगवान की भक्ति करो और जीवन में सुख में रहो। बोलो मेरे पीछे पीछे साथ ताली बजाते हुए कीर्तन कर दो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे का वचन करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरि का भजन करो का भजन।
चित्रगुप्त को बुलाता है, चित्रगुप्त नाम सुने हो, जो सारे लेखा जोखा करता है, हम दिन में क्या क्या कर्म करते हैं सब उसको पास में नोट रहता है, हम मरने के बाद सारे कापी खोलेगा तुम जीवन में क्या क्या, इसका नाम चित्रगुप्त। चित्रगुप्त मतलब क्या, चित्र मतलब होता है फटो और गुप्त मतलब होता है छुपा करके। अगर कोई बोले हम 10 मंजिली के ऊपर में हम तो दरवाजा बंद कर कुछ कर रहे, कौन देख रहा है? नहीं, ये दिन है ना, सूर्य किरण वहीं पर सब देख रहा है, रात को रात सब देख रहा है, हैं? जब कापी खुलेगा सारे कर्म का फल निकलेगा। लेकिन भगवान नाम लेने का इतने महत्व है, चित्रगुप्त को जब महाराज कहते कापी लाओ और ये व्यक्ति का नाम को काट दो, बोले क्यों? बोले भगवान का नाम ले रहा है ना, ठाकुर जी का नाम ले रहा है, अभी ये जबपुरी में कभी नहीं आएगा। बोले दूसरा काम क्या होगा? बोले हम जब भोर भुवा मोह जना सब लोग को पार करते हुए ठाकुर के पास में जाएंगे ब्रह्म लोक में, ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं, हैं? बोले वो व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, वो तो भगवान का धाम में जाएगा, जब जाएगा पितामह ब्रह्मा उसको रास्ता में आरती उतारते, उसको आरती उतारेंगे। बोले तीसरा काम क्या होता है? बोले तीसरा काम गोलोक वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती थी, बोले रजिस्टर ला करके इसका नाम को लिख दो, इसका नाम को इसमें चढ़ा दो। बोले क्यों? ठाकुर का नाम ले रहा है, वो तो सीधा भगवान का धाम में आएगा। देखो ठाकुर नाम लेने का इतने महिमा हैं, इतने महिमा, इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे नाम को कौन ले सकता है? अर्जुन बोले प्रभु तेरा नाम कौन ले सकता है? बोले जनेई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिसने ठाकुर का अर्चन पूजा किया वही ले सकता है, सब नहीं ले सकते। इसलिए बोले गोकर्ण गोकोटी दाने ग्रहण खगस्य, देखो कितने महिमा, गोकोटी दाने, अगर किसने करोड़ों गैया दान किसने किया, कितने, एक गैया अगर कोई दान करता है ना इसका कितने पुण्य जो सोच नहीं सकते हो। बोले गोकोटी कर्ण दाने ग्रहण खगस्य, बोले प्रयाग गंग तो के कल्पवास, अगर किसने प्रयाग में कल्पवास अगर कोई करोड़ों जन्म तक किया और सुमेरु सोने की पूरा सुमेरु जैसे पर्वत अगर किसने दान दिया था ना, अगर दिया होगा तो बोले कृष्ण नामस्य, कृष्ण नाम के एक कण के बराबर भी नहीं कर सकते वो, एक कृष्ण नाम कितने इतने महिमा, एक कृष्ण नाम की इतने महिमा, ठाकुर जी का जो नाम ग्रहण करते इतने पुण्य ठाकुर का नाम लेने का, ठीक है ना? इसलिए आप लोग क्या करना, सबके सब घर में माला जपियो, ठीक है ना? सबके सब माला जपना, यही माल ही है, यही माल ही साथ में जाएगा और कोई कुछ जाएगा नहीं। इसलिए भजन गाते हैं ना, क्या गाते हैं? कृष्ण नाम की माला
जपेगा कोई दिल वाला कृष्ण नाम की माला, जपेगा कोई राम नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला राम नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला, 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 कृष्ण नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला। समझ रहे क्या बोले? बोले कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल्ली वाला नहीं है, दिल्ली वाला नहीं है, कौन है? दिल वाला। दिल वाला मतलब क्या? हाँ ठीक से समझो, दिल वाला मतलब जिसका दिल मजबूत है। अब देखना बहू बेटी की जो बात कहते ना, उसकी निंदा चुगली करते शर्म नहीं लगता है, लेकिन जिसमें तिलक की तिलक कंठी माला लगा लो तो हरिनाम करो, लोग सोचेंगे अरे क्या लोग बोलेंगे है, सबसे बड़ा क्या क्या लोग बोलेंगे, क्या लोग कहते हैं, लोग क्या बोले, गले में कंठी, तुम क्या साधु बन गए हो? अरे साधु नहीं बनेंगे, क्या चोर बनेंगे? साधु तो बनेंगे, क्या थोड़ी चोर बनेंगे? इसलिए लोग शर्माते हैं, भगवान के नाम लेने के लिए शर्माते हैं, इसलिए कहते जपेगा कोई दिल वाला, जिसका दिल मजबूत है ना। देखो जो तिलक कंठी लगाए ना, तुम्हारे दिल मजबूत दिल है, तुम लोग सब भगवान की सखी गोपी हो, गुजरी असली गुजरी हो, नहीं तो जो साधारण व्यक्ति अरे कैसे भगवान की माला कैसे जप कर, लोग बोले क्या लोग बोलेंगे, तिलक कंठी लगा लिया। नहीं, मीरा का नाम सुने कि नहीं? मीरा का नाम कौन कौन सुने हो आप बताओ? अभी दुनिया में मीरा का नाम, जगत में ये मीरा की नाम जगत में क्यों हो रही है? बोलो मीरा की नाम जगत में क्यों हो रही है बताओ? ओ आप तुम्हारी हमारी जैसे घर की बहू बेटी नहीं थी, राजा राणा की पत्नी थी, राज रानी थी, इसलिए क्या करती थी, कई सत्संग हो जाकर झूमती थी, भगवान का नाम लेती थी, भजन करती थी, साधारण घर की नहीं थी बेटी बहू, रानी थी राज रानी, लेकिन उन्हें शर्म को छोड़ करके भगवान की भक्ति की। देखो दुनिया में जिसकी जय जयकार हो रही, मीरा की भजन गाते, मीरा की नाम लेते है ना, इसलिए कहते भगवान की भक्ति वही कर सकते जिसका दिल मजबूत हो, कमजोर व्यक्ति वाला नहीं कर सकते हो हैं? हम तो झूठ बोलने के लिए शर्म नहीं आता, लेकिन गले में कंठी तिलक भजन कैसे करेंगे, बोले बाबा बन गया क्या तू है? नहीं, इसलिए शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म तो झूठ के लिए, बेईमानी के लिए, गंदी काम के लिए शर्म करनी चाहिए, भजन के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। इसलिए खूब गले में कंठी माला पहनो, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला।
Yeah.
सब गुजर गुजरिया की, आई हो सारी भक्त वृंद की, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री राधे।